दोस्तों, UDCRI में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके ACC प्रीमियर अंडर 19 कप ओडी का जो अगला मैच होगा उस मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा आपके जापान और इंडोनेशिया के बीच में। तो कौन से वो 11 प्राइम प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, देखिए ये वाला सब्सक्राइब का बटन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों। क्यों? तो आप बोलेंगे सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, है ना? सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये कि देखिए हर एक मैच की वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी और फाइनल टीम हम यहीं पर शेयर करते हैं दोस्तों। जो लास्ट का मैच था दोस्तों, ये देखिए कल रात का जो ECS का मैच था, उसमें हमारे टीम की परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। हमने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए? 5 कॉन्टेस्ट, पर कितने विन किए? 5। एक तरफा हमने क्लीन स्वीप किया था दोस्तों। ये हमारी टीम थी, ये देखिए हमारी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे टीम के 11 में से 9 प्लेयर्स, ड्रीम टीम में से सिर्फ 2 प्लेयर्स को हम हटा देना। इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया दोस्तों, 24 और 12 पॉइंट इन्होंने भी दिए। इन दोनों को हम हटा देना, सभी हमारे टॉप स्कोरर्स में से थे दोस्तों। पर ये हमारी सिर्फ ये नहीं दोस्तों, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, ये सिंगल टीम थी, देखिए आपके सामने दोस्तों। तो आप बोलेंगे ये टीम क्या आपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था दोस्तों? ये देखिए ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। मैच शुरू होने के 3 मिनट पहले ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। जो भी हमने तो एक तरफा विन किया, जो भी लोग हमसे जुड़े उन्होंने भी एक तरफा विन किया होगा आराम से, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन कौन से दोस्तों? BD Lee दोस्तों। सब लोगों ने बाबर आजम को कैप्टन बनाया हुआ था, हमने इनको टीम में ही नहीं रखा था दोस्तों। इमामुल हक को नहीं रखा था हमने, टॉप के सारे बॉलर्स को, और यहाँ से नेदरलैंड के बेस्ट प्लेयर को हमने अपना कैप्टन बनाया था, जिनको किसी ने नहीं बनाया दोस्तों। हमने एक तरफा विन किया दोस्तों, एक भी प्लेयर फ्लॉप नहीं था। डिफरेंस देखिए दोस्तों, कितने आसानी से हम जीते थे मैच। ये देखिए हैरिस रूफ हमारे वाइस कैप्टन थे इस मैच में। अगर हमारे वाइस कैप्टन, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम थी दोस्तों, ये भी याद रहे, इनको ना बना के इनको अपना वाइस कैप्टन बनाते ना हैरिस रूफ को, हम ग्रैंड लीग आसानी से जीत जाते दोस्तों। तो आप बोलेंगे इतनी तगड़ी टीम आप टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है ना, तो वो भी आपको बता दें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और सबसे पहला जो आपको लिंक दिखेगा दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो लिंक है, यही हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों। इस लिंक पर आपको टैप करने से ये लिंक आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज जो कि है इस पे लेके आएगा, और नीचे जहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है ठीक इस जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है हमारे चैनल को दोस्तों। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर हमारे बाकी यूज़र्स की तरह आपको भी एक तरफा जीतना है, आपको हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अभी मैच के बारे में आपको दोस्तों, अगर हम अभी इस मैच के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें चलना है मैच पर दोस्तों, उसके बाद यहाँ से चलना है क्रिएट टीम पर, और सबसे पहले हम फिल्टर लगाएंगे आपके जापान अंडर 19 टीम के ऊपर दोस्तों। तो एक बार जापान का जो पिछला मैच था वो एक बार चेक कर लेते हैं, कौन से प्लेयर्स ने अच्छा किया, कौन से प्लेयर्स ने क्या क्या, सब कुछ आपको एक बार दिखा देते हैं। जापान की अंडर 19 टीम से ओपनिंग करें दोस्तों आदित्य पर के, 39 रन्स 94 बॉल्स।
इनके साथ आ रहे निखिल पॉल, फिर कोजी हरगावे, फिर शिरकोटा हतकुशा, फिर निहिर परमार, फिर काजुमा स्टेफर्ड जिन्होंने 4 रन किए 10 बॉलों में, फिर थिया आकेवारा 11 बॉल में 3 रन, फिर चार्ल्स ने 8 बॉल में 11 रन, किरफर लेक ने 0, एच केली ने 0 और ए तिवारी ने 5 बॉल में 1 रन। तो जापान की टीम ये मैच जीत गई थी 206 रन से। तो इनके टीम के अगर मेन बॉलर्स की बात करें, तिवारी हाथ से आपके क्या, स्टेफोर्ड ने 5 ओवर में 2 विकेट, लेक ने 7 ओवर में 2 विकेट, एक मेडन तिवारी ने 5 में 1, ऐसे निखिल पॉल ने 1 में 7 रन दिए, फिर हिंजारे ने 7 में 1, 7 ओवर में 23 रन दिए 3 विकेट, यहाँ से हिटी कोशा ने 4 ओवर में 23 रन, एच केल ने 4 ओवर में 22 रन दिए 2 विकेट। तो अपनी टीम की बात करें, यहाँ से इनकी टीम के कैप्टन के अभी इनको लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ से आदित्य फड़के दोस्तों, ये जो ओपनिंग कर ये मेरे टीम में आएंगे दोस्तों। ओपनर्स को तो एक को तो लेना ही पड़ेगा ना, दोनों ओपनर्स को ना भी ले पर एक को तो अपने टीम में रखना ही पड़ेगा। यहाँ से अगर हम बात करें बॉलिंग की, बॉलिंग में स्टेफोर्ड मेरे टीम में ज़रूर आएंगे, के लेग ज़रूर आएंगे, यहाँ से छिंजे और यहाँ से एच के लिए 4 बॉलर्स मेरे टीम में ज़रूर आएंगे। कौन, एक तो आ जाएंगे स्टेफोर्ड और के लेग, स्टेफोर्ड के लेग, उसके बाद यहाँ से चार्ल्स और एच केली, चार्ल्स और एच केली, ये मेरी टीम के 6 प्लेयर्स जो जापान की टीम से इम्पोर्टेंट है ये मेरे टीम में आ जाएंगे दोस्तों। आप इन प्लेयर्स का बर्ड रिव्यू देख लीजिए। अगर हम अभी इंडोनेशिया की टीम की बात करें तो इंडोनेशिया की टीम से कौन इम्पोर्टेंट है, इंडोनेशिया की टीम से आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से खेलते हुए दिखेंगे आई बुधाना दोस्तों, ये मेरे टीम में ज़रूर आएंगे। बाकी बाद में देखा जाएगा किसी को लेना पड़े विकेट कीपिंग सेक्शन से। बैटिंग सेक्शन की बात करें, यहाँ से आपके इंडोनेशिया की टीम से खेलते हुए दिखेंगे आपके कुड्डी प्रदीप्त और साहिल, आप चाहो तो ले सकते हो पर मैं अभी के लिए इनमें से किसी को नहीं ले रहा। यहाँ से ऑलराउंडर की बात करें, आपको खेलते हुए दिखेंगे आई पारवैंग, आई दास, ये दोनों आपको खेलते हुए दिखेंगे मेरे टीम में। आई पारवान था मेरे टीम में ज़रूर आएंगे। बॉलिंग की बात करें हुआए, ये मेरे टीम में ज़रूर आएंगे। तो ये 3 प्लेयर्स अभी के लिए इंडोनेशिया की टीम से आ चुके। मुझे एक बैट्समैन चाहिए होगा दोस्तों, और जो पी डी प्रदीप तो दोस्तों ये मेरे टीम के बैट्समैन बन जाएंगे। तो बाकी यहाँ से आपके मेरे टीम में जो प्लेयर्स आएंगे, यहाँ से ए तिवारी जो 5 ओवर बॉलिंग करें मेडन भी डाले, ये मेरे टीम में आएंगे। तो ये मेरी टीम बन के रेडी हो चुकी है, आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़े आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। सी और वी सी की बात कर लें, कैप्टन दोस्तों स्टेफर्ड होंगे। वाइस कैप्टन की बात करें, यहाँ से टीम के कैप्टन जो के आवे हुए इनको बनाना तो चाहिए, पर मैं अभी के लिए सी हिंजे को अपनी टीम में भरोसा दिखाऊंगा दोस्तों एज़ वाइस कैप्टन का। तो ये मेरी टीम बन के रेडी हो चुकी है, आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़े आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।